मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य के 4 शहरों गया, बोधगया, राजगीर और नवादा के लिए खुशखबरी है। दरअसल इन शहरों में गंगा के जल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में सभी घरों में आपूर्ति की जाएगी। इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। यह योजना सफल रही तो पटना में भी इसी तर्ज पर गंगा जल की आपूर्ति पेयजल के रूप में घरों में की जाएगी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों के सवाल पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि उक्त योजना के तहत बरसात के समय 4 माह गंगा के जल को 3-4 अलग अलग जगहों पर एकत्र किया जाएगा, जिसे शुद्ध कर पेयजल के रूप में आपूर्ति होगी। बोधगया, गया, राजगीर और नवादा में पानी की समस्या है, तो इन सब जगहों के लिए पहले चरण में ये काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोरिंग के माध्यम से मकानों में लोग नीचे से पानी को निकाल रहे हैं, अगर इससे मुक्ति मिलेगी तो भूजल का स्तर ठीक रहेगा। पटना में भी पहले भूजल स्तर इतना नीचे नहीं गया था। तो चाहते हैं कि पानी में कोई गड़बड़ी नहीं हो, पानी एकदम स्वच्छ हो। और अब तो आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने तो गंगा जल को 3-4 जगहों पर पहुंचाने के लिए जो हम लोगों ने स्कीम बनाया और उसका तेजी से हो रहा, तो पानी तो ले जाएंगे वही बरसात के टाइम, 12 महीना नहीं, 4 महीना उसको ले जाया जाएगा और उसको रखा जाएगा बीच बीच में 3-4 जगहों पर, और उसको फिर शुद्ध करके हम लोग सप्लाई करेंगे। तो ये सारा काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। अनेकों बार गए हैं देखने के लिए, तो जहाँ पर पानी की दिक्कत है, बोधगया में, गया में, राजगीर में, नवादा में, तो इन सब जगहों के लिए तो इतना बड़ा काम किया जा रहा है, जानते ही है। तो हम लोग तो उसमें लगे ही हुए हैं, लेकिन अगर पूरे तौर पर अब बाद में तो कहीं अगर हमसे पूछिएगा तो इतना ज़्यादा जो नीचे से पानी सब लोग निकालता है, अगर उससे मुक्ति मिले तो जल का लेवल ठीक रहेगा। तो उसी के लिए तो हम लोग चाहेंगे कि बरसात के समय में ही जो गंगा जल में जितना पानी रहता है उसी पानी को कुछ निकलवा करके और हम लोग पीने के पानी का इंतजाम करवावें। तो अभी कुछ जगहों पर शुरू किया, उसमें अगर सफलता मिलेगी तो हम तो भाई, आप आज ऐसा मत समझिएगा, मेरे मन की इच्छा पटना के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं। वही गंगा नदी की सफाई से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें हम लोग लगे हुए हैं, इसकी समीक्षा करवाते रहते हैं। जब बचपन में हम बख्तियारपुर में गंगा नदी में नहाने जाते थे तो वहीं से पीने के लिए पानी भी लेकर आते थे। चारों तरफ से गंदा पानी जाने की वजह से आज गंगा नदी के जल में खराबी आ गई है। कहीं से गंगा में गंदा पानी ना जाए, इसे लेकर हम लोग ने समीक्षा की है ताकि इस पर तेजी से काम हो। हम लोग चाहते हैं कि पानी में कोई गड़बड़ी नहीं हो और पानी स्वच्छ हो। शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। गंगा नदी के जल में खराबी तो आ ही गई है, चारों तरफ से बिना मतलब का गंदा पानी जा रहा है, तो उसके चलते अब सीधे पीने के लायक है, सुधार तो करना ही नहीं है। तो हम लोग तो चारों तरफ सभी शहरों में और सभी जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई पानी गड़बड़ नहीं जाए कभी तरह से, सबको ठीक ढंग से पूरा सुधार कीजिए। तो अभी तो कुछ ही सप्ताह तो नहीं, कुछ ही महीना पहले भी पूरी की पूरी फिर हम लोगों ने समीक्षा की है विभागीय काम के लिए, फिर देखेंगे ताकि तेजी से काम हो। कभी कभी काम में अगर विलंब होता है तो स्वाभाविक है कि पानी में गड़बड़ी तो रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।